दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. मॉर्निंग में मैं वहाँ पर एक कॉल प्रोवाइड करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा. तो चलिए 3 सितंबर 2020 की कॉल्स का रिव्यू करते हैं. रिव्यू करते करते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. मैंने 3 स्टॉक दिए थे कल के लिए आपको, जिनमें से 2 में तो हमारा अच्छा रहा. आखिरी स्टॉक जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था, उसका शॉर्ट साइड का हमारा SL हिट हो गया था, बाकी बाय साइड का हमारा इजीली रिकवर होकर तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. ये तो था हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर. लास्ट जो अब मैं आपको कॉल दिखा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड की थी. अगला स्टॉक जो है ये मेरी सब्सक्राइबर्स की कॉल है, जिन्होंने हमारा प्लान सब्सक्राइब किया है. आप भी हमारा प्लान सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं. इनमें से एक कॉल मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा. तो देखिए इसमें जील और टाटा कैम में हमारा SL हिट हुआ, बाकी सब में हमारा टारगेट अचीव हुआ, कुछ ना कुछ अचीव हुआ ये. आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या फिर हमारी वेबसाइट विजिट मार लीजिएगा. वेबसाइट में अब यहाँ पर आप लेवल्स क्या जैसे चेक करेंगे, इनके लेवल्स क्या थे आप वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की. तो इंट्राडे लेवल्स फॉर 4 सितंबर 2020, पहला स्टॉक जो हमने के लिए चुना है वो है आरकॉम, जिसे आप रामकॉम है. तो इसे आप बाय करके चलेंगे 722 का जब लेवल ब्रेकआउट होगा. 722 का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा, 722.10 जब स्टॉक हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे. टारगेट रहेगा 724, 728, 732. स्टॉक ज़्यादा बड़ा नहीं है, वॉलिटिलिटी बहुत कम है, मतलब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए इतना ही आप टारगेट रखेंगे. हो सके तो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे स्टॉप लॉस से सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, जब आप सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस का पीछा कर रहे होंगे. शॉर्ट सेलिंग का प्राइस रहेगा आपका 718 का. 718 से जब नीचे जाने लगेगी प्राइस, यानी कि 717.90 जब प्राइस हो जाएगी तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे. टारगेट रहेगा 716, 713, 710 का और स्टॉप लॉस रहेगा 721 का. अगला स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो है किरियोंडस, जिसे आप बाय करके चलेंगे 557 का लेवल ब्रेकआउट होने पे. टारगेट रहेगा 559 का, 565, 570 का. स्टॉप लॉस रहेगा 553 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 552 की. टारगेट रहेगा 550, 544 और 538 का. स्टॉप लॉस रहेगा 556 का. ध्यान रखेंगे अगर पहली बार में हमारी टारगेट अचीव हो जाता है तो दूसरी बार वो कॉल आप नहीं लेंगे. पहली बार में टारगेट अचीव नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं. गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 AM के अंदर वो गैप फिल होने का. ये जो बाइंग प्राइस है और शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में होल्ड ले दीजिएगा अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होना होता है. होल्ड कितने मिनट का, एक ही मिनट का होल्ड बस नॉर्मली, और उसके बाद आप बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं. अगर वो होल्ड ना लेगा एक मिनट का, रैंडम मूवमेंट में नीचे आएगा और एकदम से ऊपर चल जाएगा, तब आप उसे बाय नहीं करना है. गैप ओपन होने के बाद ऐसा ही गेम, गैप डाउन ओपन होने के बाद एकदम से ऊपर आया, होल्ड नहीं लिया एक मिनट का, एकदम से नीचे आ गया, तो आप उसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे. होल्ड बहुत जरूरी है. होल्ड कैसे करेगा, इन पर दोनों प्राइस के बीच में अप एंड डाउन करेगा एक मिनट के लिए, उसके बाद ऊपर जाए या नीचे जाए, जो लेवल ब्रेकआउट हो आप उसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से भी हमें हमारे सब्सक्राइबर्स की मतलब अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं प्लान वहाँ से भी कर सकते हैं. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या सब्सक्राइब करना है, मैं आपको प्लान्स बता दूंगा. आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ.